देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बीजेपी 2014 और 2019 में यूपी के रास्ते ही लगातार दो बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए कामयाब रही, लेकिन 2024 में दो लड़कों की जोड़ी अखिलेश यादव और राहुल गांधी बन गए बाधा। बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए सपा और कांग्रेस का हाथ मिलाने का दाव कामयाब होता दिख रहा है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगता दिख रहा है, जहां अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला और राहुल गांधी का संविधान आरक्षण पर खतरे का नैरेटिव काम करता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सियासी तस्वीर अब कुछ साफ होती दिख रही है। अभी तक के रुझानों में बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है। सपा और कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़ती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दलों की सीटें भी कम हो रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती का अकेले लड़ने का दाव महंगा पड़ता दिख रहा है। बसपा के लिए खाता खोलना मुश्किल दिख रहा है, जबकि दलित राजनीति के उभरते चेहरे आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सपा यूपी में 30 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो बीजेपी की इतनी ही सीटें घटती दिख रही है। कांग्रेस 1 से बढ़कर 6 से 7 सीटें जीतती हुई दिख रही है, वहीं बीजेपी 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें से कई सीटें पर उन्हें अभी बहुत कम मार्जिन है। बीजेपी के सहयोगी आरएलडी अपने कोटे की दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अपना दल एस अपने कोटे की दोनों सीटें फंसी हुई हैं, तो सुभाष पा के ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोषी और निषाद पार्टी के संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर सीट पर पिछड़ते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पर सपा का यादव मुस्लिम परस वाली छवि तोड़ने के लिए पीडीए फॉर्मूला आजमाया था। सपा ने यूपी में गैर यादव और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव खेला। अखिलेश यादव ने इस बार यूपी में 4 मुस्लिम और 5 यादव उम्मीदवार ही उतारे थे। कुर्मी समुदाय से 10 तो मल्ला समाज के 5 और कुशवाहा मौर्य शाक्य से 6 प्रत्याशी उतारे थे। इसके अलावा राजवर समुदाय से 1 प्रत्याशी उतारा था। ठाकुर और ब्राह्मणों को गिनती के टिकट दिए गए थे। सपा ने इस बार सुरक्षित सीटों के साथ साथ 2 सामान्य वर्ग की सीटों पर भी दलित समुदाय के प्रत्याशी उतारने का प्रयोग किया था। कुर्मी शाक्य मल्ला और दलित समुदाय पर दाव खेलने का दाव सफल होता दिख रहा है। अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूला के जरिए बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ी है। यूपी में 20% के करीब मुस्लिम मतदाता है। सपा और कांग्रेस गठबंधन के बाद मुस्लिमों की सारी दुविधा खत्म हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी उतारे थे, जबकि सपा 4 और कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ 2 मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद भी मुसलमानों ने बसपा के मुस्लिम प्रत्याशियों के ऊपर इंडिया गठबंधन के गैर मुसलमान प्रत्याशियों को अहमियत दी है। मुसलमानों का 1 वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा है। इसके चलते इंडिया गठबंधन और बसपा का सारा खेल बिगड़ गया। मुसलमानों ने चुनाव के दौरान पूरी तरह खामोशी अख्तियार कर रखा था और एकमुट होकर वोटिंग करने का दाव इंडिया गठबंधन के लिए मुफीद साबित हुआ है।